मोदी के मसले पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा और उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त किए जाने के बाद कहीं कांग्रेसियों ने रेल रोकी तो कहीं सड़कों पर प्रदर्शन किया। वहीं भाजपा ने कहा कांग्रेस की समस्या यही है कि वो न्यायालय का सम्मान भी नहीं करती। वहीं आपने कहा कि पूरी भाजपा राहुल गांधी से डरती है। पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर आ गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जगह जगह प्रदर्शन किया। भोपाल में कांग्रेसियों ने ट्रेन तक रोकी। इंदौर में पीएम मोदी का पुतला फूंका गया। ग्वालियर में भाजपा सरकार की अर्थी निकाली गई। जबलपुर, देवास, अशोकनगर, गंजबासौदा के अलावा प्रदेश के कई अन्य शहरों में भी इस फैसले को लेकर कांग्रेसियों ने विरोध जताया। मानहानि के एक केस में 2 साल की सजा होने के बाद केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल की सदस्यता खत्म कर दी गई। इसी को लेकर देश भर में कांग्रेसियों में गुस्सा देखा जा रहा है। भोपाल में कांग्रेसी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचे और यहां पर 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर जबलपुर की ओर जा रही चलती ट्रेन को रोक दिया। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया समेत कई नेता इंजन के ऊपर चढ़ गए। इन लोगों ने यहां जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने पहुंचकर कांग्रेसियों को खदेड़ा। इसके बाद देर शाम NUCI कार्यकर्ताओं ने मशाल रैली निकाली। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने के विरोध में इंदौर में युवक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। ग्वालियर में कांग्रेस के जिला प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा का कहना है कि राहुल गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार डरी हुई है, यही कारण है कि उनको संसद में आने से रोका गया है। जबलपुर में भी राहुल गांधी के समर्थन में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला फूंका। देवास के सोनकच्छ में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। वहीं MP के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कांग्रेस का स्वभाव है न्यायालय का सम्मान नहीं करना। कांग्रेस का स्वभाव नहीं है न्यायालय का सम्मान करना, इसलिए प्रोपोगंडा खड़ा करने की और विषयांतर की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस हमेशा से ही न्यायपालिका पे अगर केस हार जाते हैं तो सवाल उठाते हैं, चुनाव हार जाए तो EVM पे सवाल उठाते हैं, ये सेना पे सवाल उठाते हैं, ये सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं, ये सीताराम पर सवाल उठाते हैं, ये हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाते हैं, और यही कारण है कि 7 बार से जमानत पे हैं, 7 केसों में राहुल गांधी, 3 बार माफ़ी मांगते हैं। ये विषयांतर करने की अब जो कांग्रेस में कोशिश की जा रही है ना, ये गलत है। ये न्यायालय का सम्मान करना सीखे। इन्हीं के पूर्वज थे जिनने इमरजेंसी लगाई थी देश पर न्यायालय के सम्मान के खिलाफ, न्यायालय के फैसले का सम्मान किया। राहुल के मसले पर राजनीति गरमाई हुई है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा इन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी। डरते हो यार, तुम लोग बहुत डरते हो। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार, तुम लोग तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है भारत के इतिहास में, सबसे भ्रष्ट भारत के इतिहास में, सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है यार। अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटीड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्यूटी प्लान्स दे एन्यूटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।